पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं और समाजवादी पार्टी किस तरह से अपना प्रतिनिधित्व करेगी और किस तरह से चुनाव मैदान में समाजवादी पार्टी की तैयारियां हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष मुरादाबाद DP यादव। उनसे बात करेंगे कि आखिरकार किस तरह की तैयारियाँ हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारियाँ हैं समाजवादी पार्टी की निकाय चुनाव में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए मुरादाबाद में हर समय हर चुनाव के लिए तैयार रहती है। आपने विधानसभा चुनाव अभी देखा है, समाजवादी पार्टी जैसी आचार संहिता लगी तुरंत हमारे कार्यकर्ता चुनाव में कूद गया था और एक भारी बहुमत से, भारी प्रचंड बहुमत से और अधिकतर सीटों पर समाजवादी पार्टी ने विजय हासिल। लेकिन अगर मुरादाबाद विधानसभा की बात करें, मुरादाबाद नगर विधानसभा की बात करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र नगर मेयर की सीट पर भी आता है, उसको देखकर किस तरह की रणनीति तैयार की? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मुरादाबाद की दो सीटें इसमें आती हैं। एक सीटें हम 54,000 वोट से जीते हुए हैं, दूसरी सीट हम बहुत थोड़े मार्जिन से 500-700 वोट से आ रहे हैं, तो इसलिए समाजवादी पार्टी का वोट शेयर तो आज भी इन विधानसभाओं में 50,000 का अंतर भाजपा से है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं इस शहर की जनता से अपील करूंगा, इस बार निश्चित रूप से जनता समाजवादी पार्टी का मेयर यहाँ देखना चाहती है। बात करें, क्योंकि मेयर की बात हो रही है, इस बार कितने दावेदार आपके सामने आए हैं अभी तक, क्योंकि नॉमिनेशन का चल रहा था, सभी ने अपने आवेदन दिए हैं? देखिए, मुरादाबाद में दावेदारों की भरमार है। 3 दर्जन लोगों ने यहाँ आवेदन किया है, जिसमें महिला पुरुष दोनों प्रकार के हैं, पिछड़े भी हैं और सामान्य भी हैं, सभी लोगों ने आवेदन किया है। अब उसमें तो एक का चुनाव करना, वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, लेकिन हमें जो आदेश मिलेगा हम तुरंत जो है चुनाव। लेकिन समाजवादी पार्टी मुरादाबाद में देखें तो किस तरह के नेता का या किस तरह के मेयर का को चुनना पसंद करेगी? अगर समीकरण की बात की जाए तो किस तरह के समीकरणों पर आधारित होगी? देखिए, मैं आपको एक बार निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी का मेयर इस बार जो होगा बहुत ईमानदार, पढ़ा लिखा और अच्छी छवि का होगा। ये राजनीतिक सवाल है, सवाल मेरा यह था कि किस तरह के समीकरणों पर तैयार करें। नहीं, समीकरण तो हमारे मजबूत हैं, हमें हिंदू मुस्लिम बराबर वोट मिलेगा और निश्चित रूप से हम भारी बहुमत समाजवादी पार्टी का मेयर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अब तक भाजपा की जीत यहाँ पर रही है, भाजपा का प्रत्याशी हमेशा जीतता हुआ आया है, लेकिन एक बार ST हसन जब आपके रहे थे, वो मेयर रहे हैं, हुमायूं कदीर रहे हैं, इस बार की क्या विशेष रणनीति? देखिए, रणनीति तो बताई नहीं जाती, रणनीति तो लागू की जाती है, तैयार की जाती है, समय पर लागू की जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, समाजवादी पार्टी की रणनीति मुरादाबाद में अच्छी रहेगी और निश्चित रूप से आपको मेयर समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में मिलेगा। किससे फाइट रहेगी फिर, किस तरह के प्रत्याशी, किस पार्टी से? अब जनता फाइट नहीं चाहती, जनता के बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी देखिए, आप सब्जी मंडी रेलवे के उसमें थी, अब वो सारी लोगों ने सब्जी के हटवा दिए, ठेले नहीं लगने देते, और जो मंडी पुरानी 150 साल पुरानी मंडी थी, बेरोजगार बहुत लोग कर दिए, तो कुछ मुद्दों से, स्थानीय मुद्दों से। अब बुध बाजार में देख लो, सारा बुध बाजार खाली पड़ा है, खोखला हो गया है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। तो इस बार अब समाजवादी पार्टी के लिए मुरादाबाद की जनता ने मन बना लिया। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम शहर का विकास कर रहे हैं और शहर के विकास में अगर थोड़ा बहुत रोड़ा आएगा तो उसको कहीं ना कहीं तोड़ा भी जाएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, बुध बाजार जैसे शहर बुध बाजार मेन शहर है, उसके विकास की जरूरत नहीं थी। अगर विकास करना था तो बहुत गरीबों के मोहल्ले, कमजोरों के मोहल्ले, गली रेड़ी और बहुत सारे ऐसे पुराने मोहल्ले हैं, उनमें जाके काम हो सकता था कि लंबी चौड़ी सड़कों पर उसको तोड़ कर दोबारा बनाना, उसका विकास करना, तो ये तो अलग लाइन हो गई। लेकिन विकास करना था, विकास तो अच्छी बात है, लेकिन शहर की उन तंग और पतली गलियों से होना चाहिए जहाँ नाली नहीं बने, खड़ंजे नहीं बने, लोगों को जहाँ आवश्यकता है वहाँ विकास होना था। अच्छा, अगर बात करें, अभी मेयर प्रत्याशियों की बात होगी, फिर से अभी दावेदारों ने भी दम भर दिया है, लगातार विपक्ष समाजवादी को घेरता हुआ है कि कभी भी हिंदू प्रत्याशी नहीं उतारती है, क्या इस बार इस रणनीति पर? प्रत्याशी का हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं होता, प्रत्याशी का मतलब होता एक बेहतर इंसान आपको मिले, इसमें अगर आप नेता में हिंदू मुस्लिम ढूंढोगे तो ये कोई बेहतर बात नहीं होगी। और समाजवादी पार्टी तो इस लाइन के ही खिलाफ है, समाजवादी पार्टी तो सेकुलर पार्टी है, वो तो सबको साथ लेने वाली पार्टी है,
तो मैं इस मुद्दे को कोई मुद्दा नहीं मानता। हिंदू लड़े या मुसलमान लड़े, पार्टी के नेतृत्व जिसको आदेश करेगा वो लड़ेगा चुनाव। लेकिन अगर कास्ट की बात करें तो जनरल कास्ट होगी, पिछड़ा होगा, अति पिछड़ा होगा, किस तरह के कैंडिडेट का चुनाव करेंगे इस बार समाजवादी पार्टी? ये फैसला हाईकमान का होता ना, इसमें हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन हमने तो सुना है कि जो DP यादव चाहे वो यहाँ सब कुछ हो सकता है, जो पार्टी चाहेगी वो सब कुछ होता है। पार्टी हाईकमान चाहती है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय महासचिव जी और भी बड़े नेताओं जो कमेटी भी हैं, वो जो सब लोग चाहेंगे वो ही होगा। बड़ी उपलब्धि आपकी विधानसभा चुनाव रही है? नहीं, विधानसभा चुनाव में तो मुरादाबाद की जनता ने एक रिकॉर्ड मत जो पूरे प्रदेश में सर्वाधिक मत मुरादाबाद में मिले हैं और बहुत सारी सीटें भी मुरादाबाद जनता में मिली हैं। एक सीट 500-700 वोट से, आपको पता ही ये सब बातें मैं कह नहीं सकता, वो हारे हैं, लेकिन जनता का प्यार और आपका बहुत सहयोग हमें मिला। अच्छा, इसके अलावा अगर मुरादाबाद में बात करें तो जो और भी लोग हैं, परिवारवाद की बात होती है, समाजवादी पार्टी विपक्ष को, भाजपा को घेरने का प्रयास करती है कि परिवारवाद चलता है, परिवारवाद भाजपा कहती है कि समाजवादी में चलता है, क्या कहें? देखिए, एसटीएसएन साहब हैं वो MP हैं, उनके परिवार में कोई नेता नहीं है। नासिर कुरैशी साहब हैं वो, उनके परिवार में कोई नेता नहीं है। यूसुफ अंसारी लड़े थे, उनके परिवार में कोई दूसरा नेता नहीं है और हमारे परिवार में कोई नेता नहीं है। तो और सानू हमारे महानगर अध्यक्ष हैं, उनके परिवार कोई ऐसा नहीं है। तो ये सब कहने की बात है, आपके चीज़ें सामने, बहुत पारदर्शिता, जो पारदर्शिता होगी उसी से आपका प्रत्याशी घोषित होगा और आप कहोगे कि आपने बहुत अच्छा प्रत्याशी दिया है। अच्छा, आपस का जो आपस में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो परिवार है मुरादाबाद का, उसमें कहीं एक बिखराव नज़र आ रहा था अभी बीच में, क्या उसको साधने में कितनी सफलता हाथ ली? देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 5 लाख वोट से सरकार बनने से रह गई, 5 लाख वोट कम था BJP से और बाकी पार्टी तो कहीं लड़ाई में नहीं है। तो समाजवादी पार्टी एक बड़े राजनीतिक दल के रूप में है और जहाँ बड़ा परिवार होता, बड़े लोग होते हैं तो कोई बात होती है। अभी जब 3 दर्जन लोगों ने आवेदन की है, भाजपा से पूछो उनके यहाँ तो 4 आवेदन भी नहीं होंगे अभी। तो जहाँ 3 दर्जन लोग होंगे कुछ बात तो करेंगे ही। तो ये समाजवादी पार्टी की ताकत का एहसास है कि इतने लोगों ने समाजवादी पार्टी से मेयर का टिकट मांगा है। प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी, अगर प्रदेश की बात करें, क्या आपको क्या उम्मीद? मैं मुरादाबाद की बात कर सकता हूं, लेकिन प्रदेश में भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा। ये थे हमारे साथ में DP यादव जी, जो मुरादाबाद समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और इन्होंने हमारे जो सवाल थे निकाय चुनाव को लेकर, जिस तरह की समाजवादी पार्टी की रणनीति है उस पर बात की है। अब देखना होगा कि निकाय चुनाव में कौन सी पार्टी अपना प्रत्याशी जीत दर्ज करा पाती है। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित चौहान, पब्लिक TV मुरादाबाद। पब्लिक TV आपकी आवाज़।